हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बाबाज ऑनलाइन वर्ल्ड। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपकी जो सैमसंग की टीवी है उसकी आप बेस्ट सेटिंग्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपका सैमसंग टीवी का जो रिमोट होता है वो कुछ ऐसा होता है और यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है मेन्यू का, इसको आपको प्रेस करना होगा एक बार और यहाँ पे आपकी सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं वो है पिक्चर का और दूसरा ऑप्शन जो है वो साउंड का और तीसरा ऑप्शन है सेटअप और चौथा ऑप्शन है इनपुट और पांचवा ऑप्शन है एप्लीकेशन, छठा ऑप्शन है सपोर्ट। तो इन सभी की सेटिंग्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको कौन सी सेटिंग्स इसमें रखनी है जो कि बेस्ट होती हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं पिक्चर से। यहाँ पे जो सेटिंग्स आप देख रहे हैं ये सारी सेटिंग्स जो है वो सैमसंग का कस्टमर केयर का बंदा एक आया था, वो ये सारी सेटिंग्स करके गया था। तो ये सारी सेटिंग्स बिल्कुल ही बेस्ट हैं और मेमोरी इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है मोड और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोड है वो मेरा स्टैंडर्ड है। यहाँ पे अगर आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं इसको, आप स्टैंडर्ड से डायनेमिक या फिर मूवी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बैक लाइट आपको 14 रखनी है, कंट्रास्ट 100 रखना है, ब्राइटनेस 45, शार्पनेस 50, कलर 50, टिंट और ये आपको G50/R50 करना है। पिक्चर ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब हैं पिक्चर ऑप्शंस, ये आपको एज इट इज़ आपको अप्लाई करना है। फिल्म मोड ऑटो, कलर टोन ऑट स्टैंडर्ड, साइज 16:9, डिजिटल ग्रीन व्यू ऑटो, मोशन लाइटनिंग ऑन रखी है मैंने। यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स आप अप्लाई कर सकते हैं और जो पिक्चर ऑफ है पिक्चर ऑफ करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पे आप बैक करेंगे तो फिर से यहाँ पे आपकी पिक्चर ऑन हो जाएगी। और मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ मेन्यू में और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है वो है पिक्चर रीसेट। अगर आप इस पर एक बार प्रेस करते हैं तो आपकी सारी सेटिंग्स हैं वो रीसेट हो जाती हैं जो कि कंपनी की तरफ से आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं आप सेकेंड सेटिंग में जो कि है साउंड। यहाँ पे आपको मोड स्टैंडर्ड रखना है, यहाँ पे आप म्यूजिक के हिसाब से मूवी क्लियर वॉइस ये सब आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इक्वलाइजर, ऑटो वॉल्यूम ऑन रखना है, स्पीकर सेलेक्ट टीवी स्पीकर और इंस्टॉलेशन टाइप वॉल रखना है। अगर आपकी वॉल पे है और आपकी स्टैंड पे है तो आप स्टैंड भी रख सकते हैं। और ऑडियो फॉर्मेट बिट स्ट्रीम करना है, साउंड रीसेट करेंगे तो साउंड की सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटअप देख लेते हैं। सेटअप में आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कई सारी लैंग्वेज मिल जाती हैं, इसमें हिंदी भी शामिल है, मराठी, तेलुगू और यहाँ पे है गेम मोड है ये आप ऑन कर सकते हैं। वैसे अगर आपको टीवी अगर आपकी सेटअप बॉक्स से कनेक्ट है तो आपको गेम मोड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका टीवी किसी प्ले स्टेशन से कनेक्ट है जैसे कि सोनी PS4 तो आप यहाँ पे गेम मोड ऑन कर सकते हैं। बूट लोगो, जो आपका बूट होती है टीवी जब ऑन होती है तो आपको एक लोगो दिखता है सैमसंग का, उसको अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑन ही रखिए और अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऑटो प्रोडक्शन टाइम है ये है 2 आवर्स और सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं इनपुट पे। इनपुट यहाँ पे सोर्स लिस्ट यहाँ पे जो आपको मिल जाते हैं, जो भी अगर आपके HDMI के जितने केबल लगे हैं उस हिसाब से यहाँ पे इनपुट मोड आपको मिलते हैं। यहाँ पे एडिट नेम, यहाँ जब आप टीवी ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे साइड में एक नेम दिखता है वो आपको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम भी लगा सकते हैं। फिर आते हैं दूसरे ऑप्शन पे जो भी है एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब ये है कि कोई भी आप डिवाइस इसमें ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोर्ट दे रखे हैं बहुत सारे पीछे, तो वो पोर्ट में आप कोई भी अगर पेन ड्राइव लगाते हैं तो मीडिया प्ले USB यहाँ पे देयर इज़ नो डिवाइस कनेक्टेड। अभी मेरा कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। और अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं तो यहाँ पे क्रिकेट भी आप क्रिकेट मोड ऑन कर सकते हैं। ये 3 मोड हैं, ये वीडियो में इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये 3 मोड हैं, क्रिकेट मोड, इंडिया सिनेमा मोड, जॉय प्लस फीचर्स, इन सब के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं।